ई एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में 2D और 3D ग्राफ का निर्माण कैसे किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक्सेल में डाटाबेस के आधार पर सीखेंगे कि 2D और 3D ग्राफ का निर्माण कैसे किया जाता है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने सीखा था कि कितने प्रकार के ग्राफ एक्सेल में होते हैं और उनका निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। तो आज हम 2D और 3D ग्राफ को बनाना यहाँ पे सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने पहले से एक डेटाबेस फाइल तैयार कर रखी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स, यहाँ पे उनके मार्क्स हैं, यहाँ स्टूडेंट्स के नेम हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, SST और हिंदी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पे चार्ट्स दे रखे हैं। तो इन चार्ट्स को हम यहाँ पे बनाएंगे। तो हम सबसे पहले फील्ड को सिलेक्ट करना होता है चार्ट बनाने से पहले, तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से तो हमने ये यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया पूरा का पूरा। इससे पूर्व हमने जो डाटाबेस बनाया था वो केवल एक सब्जेक्ट का बनाया था। यहाँ पर हम 5 सब्जेक्ट का डाटाबेस को लेकर यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। तो रिकमेंड्स चार्ट्स में हम क्लिक करते हैं पहले, तो देखते हैं इसमें हमारे लिए कौन बेहतर होगा। तो इसमें ये वाला हम बना सकते हैं चार्ट, तो ये इसमें बता रहा है कि हमारे लिए बेहतर है, तो हम इसको क्लिक करते हैं। तो आपने देखा कि ये एक हमारा चार्ट बना जो नॉर्मल चार्ट है। तो इसमें वही पहले हमने बताया था कि पहले हमने एक फिगर को लेके बनाया था और अब हमारे पास एक ही स्टूडेंट्स के 5 विषयों के अलग अलग नंबर हैं। तो जैसे ये दिखा रहा है यहाँ पे नीला कलर मैथ्स के मार्क्स हो गए, आपका रेड कलर इंग्लिश के मार्क्स, इसके बाद ग्रे कलर साइंस, और फिर उसके बाद ऑरेंज आपके SST, और फिर उसके बाद ब्लू कलर आपके हिंदी के मार्क्स यहाँ पर दिखा रहा है। इसको आप टाइटल्स भी यहाँ से दे सकते हैं, और यहाँ पर आप क्या बोलते हैं, यहाँ से मैंने बताया था कि प्लस का चिन्ह से आप एक्सिस यहाँ पे हम दे सकते हैं। डाटा लेवल जो मार्क्स यहाँ दिखाई दे रही है इनके ऊपर आएंगे, ग्राफ के ऊपर प्रिंट होकर आ सकते हैं। डाटा टेबल भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे डाटा टेबल। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताई थी, लेकिन हमारे को यहाँ पर 3D ग्राफ बनाना है। तो ये तो था हमारा एक सिंपल सा ग्राफ जो कि हमारा सिंपल सा 1D है। अगर हमें 3D ग्राफ बनाना है वो कैसे बनेगा, तो हमें इतनी सारी फील्ड ना लेकर हम केवल पूरी फील्ड ना लेकर हम केवल केवल 2-3 फील्ड हम ले लेते हैं, 2 फील्ड। इसको आधार बनाकर हम ग्राफ बनाएंगे। तो इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे आप कोई भी ग्राफ ले सकते हो। तो हमने ये 3D और 2D है, तो हम जैसे 3D को क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3D जो ग्राफ है, तो थ्री डी ग्राफ है यहाँ पे। तो ये जो 3D ग्राफ है आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा सा इसका व्यू आ रहा है। तो हम यहाँ पे 3D ग्राफ इसको बना सकते हैं, हमने 2 इसमें फील्ड लिए हैं। इसी प्रकार आप इसको डिलीट कर दीजिए, और उसके बाद अगर हमें पूरे 5 सब्जेक्ट का 3D ग्राफ बनाना है, तो फिर हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम दोबारा से इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 3D ग्राफ ऑप्शन हम यहाँ पे चुन लेंगे 3D ग्राफ। या इस एंगल में अगर हमें बनाना है तो हम इस एंगल में भी बना सकते हैं इसको। यहाँ पे आप देखिए, इसको अगर हम बड़ा करेंगे तो ये इस प्रकार दिखाई देगा। तो इस प्रकार व्यू भी इसका आ सकता है 3D ग्राफ का। तो इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें 3 सब्जेक्ट का 3D ग्राफ बनाना है, तो हम यहाँ पे फिर इंसर्ट में जाएंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम 2D बार ले सकते हैं ये वाला, या इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप के बार बन रहे हैं। और 3D अगर हमें बनाना तो इस प्रकार भी बन सकता है, और इस प्रकार
आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राफ बन रहा है, तो ये 2D है और ये 3D है। तो 3D को जैसे हमने ये करा, इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से, तो ये 3D ग्राफ बना है इस प्रकार। तो आपने देखा कि इसमें जो शेड्स आ रही हैं, इससे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो 3D को शो कर रहे हैं। यहाँ पे जाके हम फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पे हम इसको अलग अलग टाइप में भी फॉर्मेट करके देख सकते हैं, तो ये बहुत ही शानदार दिखाई देंगे। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे और अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बैकग्राउंड के अनुसार आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हम यहाँ से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी हम इसको ले सकते हैं। तो आपने देखा कि 2D और 3D चार्ट कैसे बनाया जा सकता है, और इसके फील्ड मैंने पहले भी बताए थे कि आप इसको यहाँ पे कस्टमाइज़ करके अपने आप भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख सकते हो स्टूडेंट्स मार्क्स, यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसमें जैसे आपके बहुत सारे कलर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 कलर है, तो इसमें हमें जो सीरीज़ यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ पे हम इसको लेजेंड भी यहाँ पे शो हो रहा है, लेजेंड 1 सीरीज़, 2 सीरीज़, 3 सीरीज़, इसको भी एडिट कर सकते हैं यहाँ से। आप यहाँ पे ये जो आपने लिखा है स्टूडेंट्स, इसको भी आप कलर में लिख सकते हैं, फॉन्ट में, जैसे हमने रेड कलर में लिखा इस प्रकार। तो आपने देखा कि कितने आसान है इसमें 2D 3D ग्राफ का निर्माण करना, और इस ग्राफ को आप कहीं भी सेव भी कर सकते हैं, जिसमें हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसमें कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, तो कॉपी करके हम इसको कहीं पे भी सेव यहाँ से कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कॉपी कर ली, और हम इसको चाहे तो कहीं पे पेंट, आपका जो पावर पॉइंट है उसमें जाके यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जैसे क्लिक करा, तो ये फाइल यहाँ पर पेस्ट होगी। आपने देखा ये अब हमारी इमेज बन चुका है। यहाँ पे भी हम इसको एडिट कर सकते हैं, जब हम इसको JPG फाइल में सेव करेंगे तब हम इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। अभी हम इसको यहाँ से भी डबल क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं, तो इसमें अपना भी ऑप्शन खुल जाएंगे पावर पॉइंट में। तो इसको अगर हमें JPG में बदलना है, तो इसमें फाइल सेव का ऑप्शन भी आता है, तो यहाँ पे जैसे सेव ए पिक्चर, अब आप इसको JPG फाइल में सेव करें, उसके बाद ये फाइल हमेशा के लिए एक पिक्चर बन जाएगी, और उसके बाद इसमें कोई चीज़ एडिट नहीं होगी। यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें JPG फाइल चुनें और इसका नाम दे दें ग्राफ 3D, तो इस नाम से हम इसको यहाँ पर सेव कर सकते हैं डेस्कटॉप में। तो जैसे हमने इसको क्लिक किया, तो आप देखेंगे कि हमारी ये फाइल डेस्कटॉप में सेव हो गया। तो आपने देखा कि एक्सेल में ग्राफ बनाना कितना आसान है, और 3D ग्राफ बहुत ही आकर्षक होते हैं, और जिससे हमारा जो कंटेंट होता है उसे समझने में हमें आसानी होती है। तो आने वाले अगले वीडियो में हम और नए ग्राफ बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।